प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 हमारे सामने आ चुका है और ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है 1 सितंबर 2019 से। और जिस प्रकार के एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत ही डरावने वाले हैं, बहुत ही खौफनाक हैं। जैसे आपने गुरुग्राम का एग्जाम्पल सुना होगा, 15,000 का स्कूटर था परंतु चालान हो गया 23,000 रुपये का। इसी प्रकार नई दिल्ली के अंदर हुआ कि एक ट्रक ड्राइवर का चालान हो गया 1,21,000 रुपये का, जो ओवरलोडिंग का था। और एक और एग्जाम्पल में ट्रैक्टर ट्रॉली वाले का चालान हुआ 59,000 रुपीज़ का। इतना भारी चालान है, इसको देख के मुझे एक घटना याद आ जाती है जो हमारे स्कूल के दिनों की है। हमारे प्रिंसिपल की एक आदत हुआ करती थी, और वो आदत क्या थी कि कोई भी बच्चा यदि कोई भी नुकसान कर देता, किसी सामान को तोड़ देता था, जैसे उदाहरण के तौर पे एक इलेक्ट्रिक स्विच को किसी बच्चे ने तोड़ दिया, तो फाइन लगाता था 500 रुपीज़। कई सारे पेरेंट्स ने विरोध किया, लोगों ने जब इस बारे में पूछा कि आप 500 रुपये का फाइन लगाते हो जबकि जो इलेक्ट्रिक स्विच है ये तो सिर्फ 10 रुपये का, 20 रुपये का, हो सकता है 40 रुपये का हो यदि आपने फैंसी लगाया है, तो आप इतना महंगा चालान क्यों करते हैं, यानी इतना महंगा आप जुर्माना क्यों लगाते हैं। तब प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि बात यह नहीं है कि इस बच्चे ने इस सामान को तोड़ दिया जो 10, 20, 40 रुपए का है। बात यहाँ पे ये है, सबसे पहली बात तो है इसने हमारे स्कूल का रूल ब्रेक किया, और दूसरी बात यह है ये मोटिव कर रहा है, दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है कि इसने स्विच तोड़ दिया और ये 10-20 रुपए में छूट गया, इसको फाइन लगना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जो एक बार सामान लगा दिया उसकी जगह दूसरा रिप्लेस करेंगे तो इतना प्रॉपर फिट नहीं होता है, जिसके कारण इसे सज़ा मिलनी चाहिए। और चौथी चीज़ उसने बताई कि यदि कोई बच्चा एक सज़ा करता है, कोई एक बच्चा गलती करता है, शरारत करता है, तो वो जो फाइन भरता है उस फाइन से दूसरे बच्चों को जिनकी ज़रूरत होती है, जिनको नीड जो होती है, उन नीडी बच्चों की ज़रूरत को हमें पूरा करना है, इसलिए हम हैवी फाइन लगाते हैं ताकि दोबारा से रूल ब्रेक करने की कोई बच्चा कोशिश ना करे। और उसके पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी इस अहमियत को समझे कि रूल मस्ट हैं, उनको तोड़ने का मतलब पॉकेट के ऊपर बहुत भारी असर पड़ेगा। तो इसी बात को आज लागू करके हम देखें तो हमें पता चलता है कि सरकार जिस प्रकार से जीडीपी का डेटा आया है इस क्वार्टर का कि वो 5% रहा है, और पाकिस्तान से भी नीचे हमारी जीडीपी इस क्वार्टर की पर्टिकुलरली चली गई है। तो क्या सरकार हमारी जीडीपी को इंक्रीज करना चाहती है इस फाइन से? तो मैं इसे ताल्लुक नहीं रखता हूँ, परंतु बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में कह रहे हैं, सरकार का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो इस बिहाफ पे कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा हैवी फाइन गलत है, क्योंकि एक बार यदि आप पकड़े गए, उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, हेलमेट का तो जुर्माना 1,000 रुपये ही है, परंतु इसके साथ में आपकी RC नहीं है, यदि आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है, और ये सारी की सारी चीज़ें एक्युमुलेट कर दी जाए, सारे मिला दी जाए, तो आपका फाइन 40-50 हज़ार रुपये भी हो सकता है। परंतु यहाँ पे अच्छी बात ये है, यदि जो डॉक्यूमेंट आपके पास जैसे RC है, लाइसेंस है, वो बाद में जाके आप किसी भी जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे दिखा के अपने फाइन को रेमिट करवा सकते हैं, माफ़ करवा सकते हैं, वो जो आपका 5,000 रुपये का फाइन था वो 100 रुपये का फाइन ही रह जाएगा। जबकि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यदि इतना ज़्यादा हैवी फाइन किसी के ऊपर लगाया जाता है, क्या वो उसको भर पाएगा, क्या हमारी पॉकेट अलाउ करती है? तो इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। यदि हम पूरे नेशन का, पूरे देश का ये देखें कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो वो है 10,534 रुपये, यानी कि 10,500 रुपये अप्रोक्सीमेटली। और एक बार भी यदि आप कहीं पकड़े गए तो अप्रोक्सीमेट बात है कि 10,000 रुपये का फाइन आपके ऊपर इम्पोज कर ही दिया जाएगा, बल्कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का होगा। अब पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि हर एक के बाटे 10,534 रुपये आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग 10,534 रुपये कमाते ही हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम पैसा कमाते होंगे, 1,000 और 2,000 रुपये। यदि आप इसी प्रकार हैं, आपने सेविंग करके मोटरसाइकिल या स्कूटर आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद भी लिया
और बाई चांस आप किसी भी चीज़ को भूल गए, जैसे आपने पोल्यूशन का ही एग्जांपल मैं देता हूँ कि यदि आपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाया है तो आपका 10,000 रुपये का फाइन लग जाएगा। हो सकता है जो आपके पास स्कूटर हो उसकी कीमत 5,000 रुपये ही हो और फिर आपका 10,000 रुपये का चलान हो जाता है, तो आप अपने पॉकेट को किस प्रकार से सेटलमेंट करोगे, किस प्रकार से उसकी पूर्ति करोगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 रुपये के आसपास होने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अप्रोक्सीमेटली 60% लोग ऐसे होंगे जो इसको पे नहीं कर पाएंगे। और उनके लिए ऑप्शन क्या है, वो या आप तो अपनी गाड़ी छोड़ दें, फिर ये वो क्या करें, अपनी जो प्रॉपर्टी या जमा पूंजी जो उसने कर रखी है क्या वो उसको चलान भरने के लिए यूज़ करें, या फिर वो किसी शरीर का अंग बेच दें। ये एक देखने की बात है कि सरकार को इसके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए कि जब लोग जिस चीज़ को अलाउ नहीं कर पाते हैं तब वहाँ पर उसके नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। परंतु मैं इतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने चालान किए हैं, जो ये नई राशि बढ़ाई है, ये उन मामलों में बहुत ही अच्छी है जहाँ पर एक्सीडेंट में जान चली जाती है। आप ये सोच के भी चलिए कि यदि आप हैं या फिर आपका कोई परिवार का मेंबर है, रिश्तेदार है, यदि उसकी रोड हादसे में जान चली जाती है तो उसकी पूर्ति आप किस प्रकार से कर पाएंगे, क्या इस पैसे से कर पाएंगे। पैसे का मतलब ये कि हैवी फाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि कम से कम लोग गलती करें, क्योंकि पीछे एक डेटा आया था जिसके अंदर नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख लोग एक हादसे में, जो 2017 की रिपोर्ट है, अपनी जान गंवा देते हैं जो रोड हादसे में हो जाते हैं। तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप इस बात को भी समझिए। मैं सबसे पहले उसको बताता हूँ कि जिनका आज तक कोई लाइफ लॉस नहीं हुआ है, जिनका रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनको फाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा लगेगा और उसको समझ भी नहीं पाएंगे। परंतु मैं फिर इसके ऊपर फोकस करता हूँ कि यदि लाइफ लॉस जिसका हो जाता है उसके लिए बहुत बड़ा घाटा होता है, लोग शराब पी के चलाते हैं, लोग अनट्रेंड तरीके से चलाते हैं, लोग डेंजरस तरीके से चलाते हैं, ओवर स्पीड में चलाते हैं, और उनका नुकसान तो होता ही है, वो सामने वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, और लाइफ लॉस का जब नुकसान हो जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाल फिलहाल के अंदर एक चेन्नई के अंदर एक घटना हुई थी जिसके अंदर एक इंजीनियर लड़की होर्डिंग्स गिरने से मर गई थी। तब हाईकोर्ट ने उस मामले में कहा था कि ये लड़की जीडीपी के अंदर कितना बड़ा ग्रोथ दे सकती थी, आपको मालूम है। तो मैं यही रोड हादसे के बारे में कहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, परंतु वो रोड हादसे का शिकार हो जाते हैं और वो खुद की गलती का शिकार नहीं जबकि दूसरे की गलती का शिकार होते हैं। इसलिए ये स्ट्रिक कानून का होना और स्ट्रिक फाइन का होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ। इसके बाद में कुछ लोग इसके पक्ष में जो आने वाले हैं वह एक दलील और भी देते हैं। वो दलील देते हैं कि बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा किया है, हैवी फाइन लगाया ना, हैवी फाइन जो लगाया गया है उसको डिफाइन वो अच्छे तरीके से करते हैं। वो ये कहते हुए करते हैं कि रोड के अंदर रूल रेगुलेशन और सेफ्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परंतु आपको ये चीज़ें तब तक ही अच्छी लगती हैं तब तक आपका चलान नहीं होता है। जिस दिन आपका चलान हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि फाइन कितना ज़्यादा हैवी है और इसे एकोमोडेट करना कितना भारी मुश्किल है। तो आज हम इसी मामले में बात कर रहे हैं और इस मामले में बात ये कर रहे हैं कि यदि आप भी इस नए कानून से वास्तव रखते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा और मैं चार चीजें ऐसी बताऊंगा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन चीजों को आपको रट लेना चाहिए और कौन कौन से हैं वो जो हमें डे बाय डे के यूज में ध्यान में रखने हैं और उनका चलान बहुत हैवी है, आप उनके बगैर रोड पे ना निकलें। ये मेरी बताने की कोशिश यहां पे रहेगी कि ताकि आप इसको समझ पाए और समझने के बाद वो चार चीजों के ऊपर तो एटलीस्ट आप फोकस कर पाए, वो गलतियां तो आप ना करें, वो बताने की आज हमारी यहाँ पे कोशिश रहेगी। और उम्मीद करता हूँ सब ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है यानी कि जो फाइन की लिस्ट है वो क्या कहती है, उसी प्रकार उसी कंपैरिजन में मैं हरियाणा की लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा। हरियाणा वाले थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ के काम कर लेते हैं तो वो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और गुड़गांव पुलिस के एग्जाम्पल आपने देखे ही हैं कि जैसे ही 1 सितंबर को रूल रेगुलेशन लागू होता है तो गुड़गांव पुलिस कुछ हाइपर एक्टिव
क्यों नजर आती है। सबसे ज्यादा चलान भी गुड़गांव पुलिस ने ही किए, तो वो भी बात करेंगे। हरियाणा की लिस्ट क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट क्या कहती है। हालांकि फाइन लगभग सेम है, परंतु एक स्टेप हरियाणा गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे भी मिलती है इस मामले में। ये है हमारे सामने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से रिलेटेड गजट, और ये पब्लिश जो हुआ था अगस्त 9, 2019 को, ये जो मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे यदि हम नीचे देखेंगे तो इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखिए, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019, उससे पहले 1988 वाला मोटर व्हीकल एक्ट के स्थान पे ये जगह ले लेगा। और यहाँ पे जो कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके अंदर कुछ फाइन वाइन जहाँ मेंशन कर रखे हैं वो भी एक क्लियर कट यहाँ पे अमेंडमेंट के अंदर मेंशन कर रखा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोविजनल किस प्रकार से दिखा रखा है, सेक्शन के तहत बता रखा है कि कैसे होगा और कितना फाइन। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि इन सब सेक्शन फॉर द वार्ड्स 500 रुपीज, द वार्ड्स 2000 रुपीज सेल बी सब्स्टिट्यूट। ये इस प्रकार से इस गजट के अंदर कंप्लीट ये मेंशन कर रखा है। परंतु इसको दिखाने का मेरा मतलब ये है कि गजट के अनुसार जो हमने लिस्ट आपके सामने रखी है वो आप जल्दी से समझ जाएं। अब यहाँ पे हम बिल्कुल लिस्ट के ऊपर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कर रखे हैं। हालांकि ये एक फॉर्मेट बना रखा है, उसके माध्यम से गजट के माध्यम से देख के, जैसे बिलो आर द चेंज इन फाइन एंड पेनल्टीज एज पर द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019। यहाँ पे आप देखिए अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ व्हीकल विदाउट लाइसेंस जो मेंशन कर रखा, 1,000 से 5,000 रुपये, और ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस 5,000 रुपये, और कम्युनिटी सर्विस है। इसके साथ में कुछ है कि ओवर स्पीडिंग पहले 400 रुपये था, अब कर दिया है 1,000 से 2,000 रुपये लाइट मोटर व्हीकल के लिए, और यदि MPV या HPV है तो 2,000 से लेके 4,000 रुपये। इसी प्रकार जंपिंग रेड लाइट या डेंजरस ड्राइविंग के लिए पहले 1,000 रुपये था, अब कर दिया 1,000 से 5,000 रुपये। इसके साथ में 6 महीने की जेल भी हो सकती है, 1 साल तक भी ये बढ़ाई जा सकती है, और लाइसेंस भी आपका ऑफेंस किया जा सकता है, 10,000 रुपये फाइन भी आपको लगाया जा सकता है, बार बार आप करते हैं तो 2 साल का आपको सजा भी आपकी हो सकती है। यदि आप ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स करते हैं तो पहले आपका 2,000 रुपये फाइन था, अब 10,000 रुपये, और दूसरी बार 15,000 रुपये भी आपका हो सकता है, और 2 साल की आपको सजा भी हो सकती है। इसी प्रकार कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे ओवरलोडिंग का है, ओवरलोडिंग का केस मैं डिस्कस कर रहा था आपको, नई दिल्ली के अंदर 1,21,000 रुपये का चलान वहाँ पे हो गया जो दिल्ली पुलिस ने कर दिया ओवरलोडिंग ट्रक का। यहाँ पे 20,000 रुपये चालान है और 2,000 रुपये पर एक्स्ट्रा टन के हिसाब से आपको चालान लगेगा। इसी प्रकार से जो वैल्यू बैठ गई वो वहाँ पे 1,21,000 या 23,000 रुपये तक जाके बैठ गई, क्योंकि 2,000 रुपये पर एक्स्ट्रा टन के हिसाब से यहाँ पे एडिशनल जुर्माना बनता है। ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर के लिए पहले कुछ नहीं था, अब हो गया है 1,000 पर एक्स्ट्रा पैसेंजर। सीट बेल्ट आप नहीं लगाते तो पहले 100 रुपये था, अब हो गया है 1,000 रुपये। ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स अब आपको हो गया है, पहले था 100 रुपये, अब हो गया आपका 2,000 रुपये। और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है आपका लाइसेंस का 3 महीने के लिए, और कम्युनिटी सर्विस भी। नोट वियरिंग हेलमेट पहले 100 रुपये का था, अब 1,000 रुपये हो गया है, और इसके साथ में डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा भी बना रहता है, लाइसेंस आपका 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। उसके बाद में क्या है कि नोट प्रोवाइडिंग वे फॉर इमरजेंसी व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल यानी कि एम्बुलेंस वगैरह को आप रास्ता नहीं दोगे तो 10,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अब इंश्योरेंस के बगैर आप चलाते हैं तो पहले 1,000 था, अब 2,000, और दोबारा आप फिर पकड़े जाते हैं तो 4,000 रुपये। बच्चा चलाता है तो 25,000 रुपये या 3 साल की सजा हो सकती है, इसके अंदर पेरेंट्स की सजा की बात यहाँ पे कही गई है। तो ये तो था सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की तरफ जो मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि जो हरियाणा की लिस्ट है वो हमारे सामने इस प्रकार से है। अब हरियाणा का थोड़ा सा इन्होंने जो डिफाइन कर रखा है, वहाँ पे रेंज की बात करें, जो पहले वाले रेंज की मैं बात कर रहा था कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में यहाँ पे आप देखोगे 1,000 से 5,000 रुपये लाइसेंस के बारे में बताया गया है, परंतु हरियाणा में कुछ थोड़ा सा स्टेप और बढ़ के सीधा ही लिख दिया है कि 5,000 रुपये आपका लगेगा, यानी 1,000 से 5,000 रुपये का यहाँ पे डिस्कशन है ही नहीं। ये आप देखिए कि ड्राइविंग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस
5,000 रुपये का फाइन मेंशन कर दिया सीधा, यानी 1,000 से 5,000 की रेंज का मतलब ही नहीं है कि आपका 2,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, परंतु हरियाणा वाले तो सीधा 5,000 रुपये का ही चलान करेंगे। और ड्राइविंग विदाउट डीएल या डीएल एक्सपायर्ड यदि हो चुका है तो भी आपका 5,000 रुपये का है। यदि आरसी आपके पास नहीं है तो जुर्माना आपका लगेगा 5,000 रुपये, और दोबारा से पकड़े गए तो आपका लग जाएगा 10,000 रुपये। ये आप याद रखें, यहाँ हरियाणा के अंदर तो बिल्कुल क्लियर कट मेंशन कर रखा है। और जो ये हमारे सामने पीडीएफ है, ये हरियाणा ट्रैफिक पुलिस सिरसा के द्वारा मेंशन है, तो ये हरियाणा पुलिस जो पूरे हरियाणा के अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो ऐसा हम समझते हैं। अब ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करें तो यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली यदि कमर्शियल यूज़ के लिए है तो 10,000 रुपये, और यदि थर्ड पार्टी बीमा नहीं है तो आपको 2,000 रुपये पहली बार और 4,000 रुपये दूसरी बार। और यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है जिसको एयर पोल्यूशन सर्टिफिकेट कहते हैं तो 10,000 रुपये आपका फाइन लगेगा। यहाँ पे आप याद रखें, जो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि 150 रुपये आपने दिए तो आपका परमिट बन जाता है, यानी कि 10,000 रुपये से आप बच सकते हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पे आप चले जाएं, आपकी गाड़ी का सिर्फ एक नंबर प्लेट का फोटो लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी चेक नहीं करते, कितना पोल्यूशन कर रही है कितना नहीं करती है, इसके बारे में सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ मैं तो ये समझता हूँ कि एक लूट का साधन बना रखा है, 150 रुपये देते ही आपकी गाड़ी फिट हो जाती है, आपकी गाड़ी कोई पोल्यूशन नहीं करती है, चाहे कितना भी धुआं वो देती हो। तो यहाँ पे जो चेकिंग सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको सुधारना पड़ेगा। अब है कैरिंग मोर देन सीटिंग कैपेसिटी, यानी कि सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आपने बैठा रखा है तो पहले 500 रुपये, अब पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार में 1,500 रुपये। और कैरिंग पर्सन ट्रैवलिंग ऑन रनिंग बोर्ड, यानी बोनट के आदि के ऊपर बैठ के चलाते हैं, तो जैसे सरकारी बसों के अंदर आपने देखा है कि गवर्नमेंट की बसों के अंदर 500 और दोबारा से 1,500 रुपये आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे आप देखें कि खतरनाक रूप से यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको पहले 5,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, और वाहन चलाते समय यदि आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं पहले 5,000 रुपये और दोबारा पकड़े गए तो 10,000 रुपये, और स्पीड ओवर स्पीड से चलाते हैं तो 2,000 रुपये का फाइन है, और यदि शराब के नशे में आप चलाते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट आपका कोई चलान नहीं करेगी, कोर्ट जितना आपका फिक्स करेगा उतना ही आपको देना पड़ेगा। और यदि पुलिस अधिकारी से आप दुर्व्यवहार करते हैं 2,000 रुपये, और इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, पुलिस वाले वैसे इसको लगा देते हैं कि पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया, कई बार यह हो भी जाता है तो इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि आप ट्रांसपोर्ट यानी ट्रैफिक के रूल का पालन नहीं करते तो पहले 5,000 रुपये और दोबारा आपको भरने पड़ेंगे 10,000 रुपये। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस प्रकार हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो रोंग पार्किंग, यदि आपने पार्किंग सही जगह पे नहीं की तो पहले 500 रुपये फिर 1,500 रुपये, और यदि हेलमेट नहीं है तो आपका 1,000 रुपये यहाँ पे, और यदि पिल्लो ड्राइवर के पास हेलमेट नहीं है तो भी 1,000 रुपये, और तीसरी सवारी दो पहिया वाहन पे बैठी है तो 1,000 रुपये फाइन आपका लगेगा, और यदि आपका जिसको परमानेंट हैंड ग्रिप कहते हैं या फुट रेस्ट जिसको कहते हैं वो नहीं लगा रखा तो पहले 500 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 1,500 रुपये आपका फाइन हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आपने काले शीशे चढ़ा रखे हैं तो डार्क फिल्म जिसको कहते हैं 10,000 रुपये बहुत भारी फाइन यहाँ पे है, तो उस चीज़ से आप बचें। तेज रोशनी, पीली रोशनी या बिना समय आपने लाइट प्रयोग की तो पहले 500 रुपये और फिर 1,500 रुपये आपका फाइन लग सकता है। यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइविंग करते समय आप धूम्रपान करते हैं तो 1,500 रुपये आपका फाइन लगेगा और पहली बार में 500 रुपये, प्रेशर हॉर्न बजाते हैं तो 10,000 रुपये का। और ये याद रखें कि जो प्राइवेट बस वाले हैं इतना भारी, इतना ट्रक वाले भी इतना हैवी प्रेशर हॉर्न लगाते हैं कि सिर में दर्द कर देते हैं, उसके लिए 10,000 रुपीज़ का फाइन यहाँ पे लगाया है। और मोटरसाइकिल वाले जो साइलेंसर बदल लेते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, यानी बुलेट मोटरसाइकिल लेते हैं और पटाखे छोड़ते हैं, उनके लिए भी हैवी फाइन है, 10,000 रुपये यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वाहन चालक द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना 1,000 रुपये फाइन है, और यदि अगली सवारी बैठी है उसने भी सीट प्रयोग नहीं की तो 1,000 रुपये फाइन है, और रिफ्लेक्टर का प्रयोग ना होने पे 500 से 1,500 रुपये आपका फाइन लगेगा। बिना नंबर प्लेट के 500 रुपये पहली बार, दूसरी बार 1,500 रुपये, नंबर प्लेट यदि नियम अनुसार ना लगाई तो 500 से लेकर 1,500 रुपये फाइन आपका होगा। और फिर उसके बाद में क्या है, एम्बुलेंस को रास्ता यदि आप नहीं देते हैं तो 10,000 रुपये फाइन होगा, और मालवाहक में सवारी बैठाने का 2,000 रुपये शुरू में और 5,000 रुपये दोबारा आपका फाइन लगेगा। अब चलते हैं आगे, और इसके अंदर ड्राइविंग है कि पैसेंजर विद एक्सेस स्पीड, यदि स्पीड में ज़्यादा आप रखते हैं तो 4,000 रुपये आपका फाइन होगा। और ये आप देखिए कि स्पीड वाला जो फाइन है ये हरियाणा के अंदर थोड़ा सा अलग है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 1,000 रुपये आपका फाइन यहाँ पे लग जाएगा। और कुछ चीज़ें और हैं गैस वगैरह की हैं, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए मेंशन की हैं,
जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके साथ में वो चार चीज़ें कौन सी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और उनके ऊपर हैवी फाइन आपका है, और वो हैवी फाइन का है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको ज़रूर रखना चाहिए। और यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस किसी कारण से घर पे छूट जाता है तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप डिजी लॉकर का प्रयोग कीजिए और उसमें अपने लाइसेंस को इशू डॉक्यूमेंट के अंदर रखिएगा। इशू डॉक्यूमेंट को ही यानी गवर्नमेंट के या पुलिस अधिकारी उसको ही मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। तो इशू डॉक्यूमेंट के अंदर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रखिएगा। पहला है आपका DL, जिसको मैं चार चीज़ें आपको बताना चाहता था वो है, पहला है DL, दूसरा आपका RC, क्योंकि RC भी आप ना रखेंगे तो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये का फाइन आपको लगेगा, और तीसरा आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट। पोल्यूशन सर्टिफिकेट में हम कोताही बरत देते हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है और वहाँ पर भी आपको 10,000 रुपये का फाइन यहाँ पर लग जाएगा। तो तीन चीज़ें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और चौथी चीज़ है ड्रंक ड्राइविंग, यानी पीने के साथ ड्रिंक को ड्राइव के साथ मिक्स मत कीजिएगा, तब भी आपका 10,000 रुपये फाइन यहाँ पे लग जाएगा, जो कि बहुत महंगा है। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन चार चीज़ों से एटलीस्ट जरूर बचिएगा। हालांकि स्मोकिंग पे भी फाइन लगाया है, परंतु एटलीस्ट इन चार चीज़ों पे आप जरूर बचिएगा। इन पे बहुत ही मोटा और हैवी फाइन लगाया गया है, ये आपके पास होने चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप डिजी लॉकर के अंदर इनको लोड करके जरूर रखिएगा, ताकि आप समय रहते इसमें बच सकें। इसके साथ में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, यदि बाई चांस आप फिर भी अपने डॉक्यूमेंट भी भूल गए और मोबाइल भी आपके साथ नहीं है, तो बाद में आप पुलिस स्टेशन में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा के अपने फाइन को रेमिट करवा सकते हैं, और वो फाइन आपका अप्रोक्सीमेटली 100 रुपये रह जाएगा, जो 5,000 रुपये जैसे DL का है 5,000 रुपये का है, RC का 10,000 रुपये का है, तो वो आपका रेमिट होकर 100 रुपये रह जाएगा यदि आपने RC बाद में दिखा दी है। तो ये तो था सारा कंटेंट नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में आप लाइक बटन भी जरूर दबाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।